फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं आपका एचआईवी स्टेटस क्या है? आप एचआईवी पॉजिटिव भले है, लेकिन आप एचआईवी 1 है या एचआईवी 2 है, ये कितने जनों को मालूम है? तो चलिए व्यूअर्स, मैं डॉक्टर उषा उदयर बोल रही हूँ। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम ये सेशन में देखेंगे एचआईवी 1 और एचआईवी 2 के डिफरेंसेस क्या होते हैं और जग भर में कितने पेशेंट जो है वो क्या क्या बदल ये दोनों में होते हैं, ये आज मुख्यतः देखेंगे। उसके बाद में कितने पेशेंट्स रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है, उनका प्रेजेंटेशन क्या है, ये सब देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि अगर हम इतने साल से बोल रहे हैं कि एचआईवी पॉजिटिव है, एचआईवी पॉजिटिव है, जो नए व्यूअर्स है उनके लिए मैं बताती हूँ कि एचआईवी क्या है। एचआईवी एक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। और एड्स क्या है? तो अगर ये एचआईवी ट्रीट नहीं किया तो वो पेशेंट एड्स की तरफ जा सकता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जनरल पब्लिक में ये धारणा है कि एचआईवी और एड्स सेम है, तो नहीं। एचआईवी ये सिर्फ वायरल इन्फेक्शंस है वो जो उससे जो पेशेंट है वो बाधित होते हैं, और अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेते तो वो एड्स की तरफ जाते हैं। और आज का जो अपना विषय है वो एचआईवी 1 और एचआईवी 2 के डिफरेंसेस पे है, मीन्स वो दोनों में क्या अलग है, ये इसके ऊपर है। तो एचआईवी 1 और एचआईवी 2 क्यों उसमें अलग अलग डिफरेंसेस है, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो मेन एचआईवी 1 का अलग है और एचआईवी 2 का अलग है। और दुनिया भर में हम देखते हैं कि 3.8 to 4 billion पब्लिक एचआईवी से बाधित है, और उसमें कितने पब्लिक एचआईवी 1 में बाधित है और कितने पब्लिक एचआईवी 2 के बाधित है, ये मैं आपको बताती हूँ। एचआईवी 1 जो है वो 95% लोगों में एचआईवी 1 होता है, वो कॉमन है और उसका स्ट्रक्चर भी अलग है। और एचआईवी 2 जो है वो 5% जो दुनिया भर में लोग हैं उसमें होता है। तो अभी एचआईवी 1 में जो है उनके भी सब टाइप्स होते हैं। वो सब टाइप्स पे क्या क्या होते हैं एचआईवी के? एमएनओपी होता है, तो उसमें जो मेन ग्रुप होता है वो 90% एचआईवी 1 में एम वाले सब टाइप वाले पेशेंट्स दिखाई देते हैं। एन ग्रुप रेयर है, पी ग्रुप रेयर है और ओ ग्रुप भी रेयर है। और ये ओ ग्रुप किसमें पाया जाता है? तो वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। और एचआईवी एम जो सब टाइप है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में 90% पीपल्स में मरीजों में पाया जाता है। और जो ग्रुप एन है वो कैमरून के ग्रुप्स जो है एरिया उसमें पाया जाता है। और ग्रुप पी बहुत ही रेयर है और वो अफ्रीका में ही पाया जाता है। अभी ये हुआ एचआईवी 1। एचआईवी 2 के भी स्ट्रक्चर अलग है और उनके भी सब टाइप्स अलग है। वो सब टाइप ए टू ई है, लेकिन ए और बी कॉमन है। और वो जो पाया जाता है वो अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है, और दूसरा वेस्ट अफ्रीका में और पुर्तगाल में वो पाया जाता है। और एचआईवी 2 के लिए ठराविक मेडिसिन भी है। अभी ये हुआ एचआईवी 1 और एचआईवी 2 का वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अपने इंडिया में टाइप एम ज़्यादा पाया जाता है। अभी दूसरा उनका ट्रांसमिशन मैंने पहले बोल दिया कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, उसमें ओरल सेक्स है, एनल सेक्स है, वजानल सेक्स है। दूसरा IDU मीन्स ड्रग इंजेक्टर्स है। तीसरा मदर टू चाइल्ड है, और कभी कभी इंजुरी से भी एचआईवी पेशेंट को अगर सिस्टर इंजेक्शन देती है और वो उसको इंजेक्शन देने के बाद वो सुई अगर वो सिस्टर को लगती है तो उसके भी चांसेस होते हैं, मीन्स एक्सीडेंटल भी उनका हो सकता है। और ये जो ट्रांसमिशन मोड है
वो ट्रांसमिशन मोड दोनों में भी सेम है, HIV-1 में भी सेम है, HIV-2 में भी सेम है, लेकिन अभी उसका पैथोजेनेसिस कैसा है, मीन्स अगर HIV-1 पेशेंट इन्फेक्ट होता है तो वो कैसे रिएक्ट होता है और HIV-2 कैसे रिएक्ट होता है। HIV-1 मैंने बोला कि उसमें M सब टाइप कॉमन है, तो जब पेशेंट HIV-1 का पेशेंट अगर बाधित होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंस वायरस से, तो उसके शरीर में वो जो वायरस जाते हैं वो इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं और उनका रेप्लिकेशन रेट ज़्यादा होता है। वैसे HIV-2 में उनका रेप्लिकेशन रेट कम होता है। सेकेंड, वो पेशेंट जो HIV-1 के पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा करके जल्दी सिम्टम्स एंड साइंस, मेरा वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं, तो वो बाधित जब होते हैं मरीज तो उनके साइन एंड सिम्टम जल्दी दिखते हैं HIV-1 में। HIV-2 में वो साइन एंड सिम्टम्स जल्दी नहीं दिखते और वो कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तीसरा जो होता है कि जो CD4 काउंट होता है वो HIV-1 में ड्रास्टिकली मीन्स जल्दी से ड्रॉप होता है और HIV-2 में धीरे धीरे से ड्रॉप होता है और कभी कभी पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। वायरल लोड तो मैंने बोला कि फर्स्ट में HIV-1 में वायरल लोड ज़्यादा होता है, इसमें होता है। तो ये हो गया पैथोजेनेसिस और ये पेशेंट कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये हो गया दोनों जो है HIV-1 एंड HIV-2। तो HIV-1 में क्या होता है, ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होता है, वो जल्दी से फैल जाता है, और HIV-2 में जो ट्रांसमिशन होता है वो धीरे से होता है, और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन HIV-1 में ज़्यादा होता है लेकिन HIV-2 में वो ना बराबर होता है, क्योंकि उनका जो रेप्लिकेशन वायरस प्रोसेस है वो धीमे धीमे होता है। अभी ये हो गया, अभी वो डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो डायग्नोसिस के लिए जो HIV-1 है HIV-2 है डायग्नोसिस, वो रैपिड टेस्ट में दोनों दिखते हैं। अगर HIV-1 के सामने रेड लाइन आई तो वो HIV-1 होता है, अगर HIV-2 के सामने आई तो HIV-2 होता है, और कभी कभी एक ही पेशेंट में HIV-1 और HIV-2 दोनों मिक्स इन्फेक्शंस हुए होते हैं। और ये जो HIV-1 के जो है वो कन्फर्मेटिव, मैंने अभी ये एंटीबॉडी टेस्ट बोला, अभी कन्फर्मेटिव वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं और उसमें HIV-2 कन्फर्म करते हैं। एक तो न्यूक्लिक टेस्ट होता है और PCR भी उनके लिए अलग होता है, तो ये HIV-2 के लिए करते हैं। अभी HIV-2 का कन्फर्म होने के बाद क्या उनके ट्रीटमेंट में अलग अलग रहते हैं, तो हाँ, NNRTI जो होते हैं वो HIV-1 में लागू होते हैं, मीन्स इफेवरेंस, नेविरापिन, और जो HIV-2 है उसमें ये दो ड्रग्स नहीं चलते, उसके लिए प्रोटीएस और डोलिटाग्राविर यूज़ करना पड़ता है, तो उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। HIV-2 का ट्रीटमेंट HIV-1 को दे सकते हैं लेकिन HIV-1 का ट्रीटमेंट HIV इसको नहीं दे सकते। तो ये हो गया ट्रीटमेंट वाइज, तो ये इनका ये अगर HIV-1 और HIV-2 के पेशेंट है उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वो जिंदगी कैसे बिताते हैं, उनका आयुष्मान कितना होता है। तो अगर गोली नहीं दी गई तो HIV-1 पेशेंट जल्दी से एड्स की तरफ जाते हैं, और दूसरा उनके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे वो HIV-2 पेशेंट धीरे 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 उनका प्रोसेस स्लो होता है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उनको जो मृत्यु दर है वो कम होता है। ये मैंने बताया कि जब वो ट्रीटमेंट नहीं लेते तो, लेकिन अभी के एट प्रेजेंट तो हम दोनों को भी ट्रीटमेंट देते हैं तो दोनों का भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आयुष्मान सेम है, अच्छी तरह से वो ज़िंदगी बिता सकते हैं। अभी मैंने सब आपको सिस्टमैटिक सब बता दिया, तो इसके बाद में HIV-1 और HIV-2 पेशेंट के लिए कोई अलग प्रिकॉशंस लेनी चाहिए क्या, तो हाँ, क्या लेनी चाहिए प्रिकॉशंस, कि अगर
आपको सेक्स करना है और अगर वो सामने वाला पार्टनर अनजाना है और आप एचआईवी वन हैं, तो आप कंडोम यूज कीजिए, क्योंकि अगर वो सामने वाला पार्टनर मिक्स होगा, मीन्स एचआईवी वन एचआईवी टू होगा या एचआईवी टू होगा, तो एचआईवी टू के वायरस भी आपके शरीर में वो स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि हमेशा एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट ने सेक्स करते वक्त कंडोम का यूज़ करना चाहिए। ये तो होता ही है, दूसरे स्ट्रेन के जो होते हैं एचआईवी सब टाइप्स वो भी स्प्रेड हो सकते हैं। और दूसरा कारण है कि आपको जो एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी आप में फैल सकते हैं। तो इसलिए व्यूअर्स, आज हमने देखा कि एचआईवी वन क्या है, एचआईवी टू क्या है, और ये सब लोगों को अपना स्टेटस मालूम होना चाहिए कि एचआईवी वन क्या होता है और एचआईवी टू क्या होता है। और आजकल जो रिसर्च चल रहे हैं वैक्सीन के, वो मोस्टली एचआईवी वन पेशेंट के ऊपर चल रहे हैं, ये आप ध्यान में रखिए। तो व्यूअर्स, आज के दिन इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आगे वाले आने वाले नए सब वीडियोज़ आपके पास आ जाएंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।